हाँ जी, आप बताएं आपका क्या नाम है और कहाँ से? जी, मेरा नाम हितेंद्र शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जहाँ उत्तर प्रदेश की भूमिका देश में, चाहे वो लोकसभा की राजनीति हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, चाहे वो देश की राजनीति हो, और उत्तर प्रदेश हमेशा जो है उत्तम रहा है देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने में। आज उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि अगर देखा जाए तो इतने सालों में 10 सालों की सरकार केंद्र में रही भारतीय जनता पार्टी की, 7 साल 8 साल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दोनों जगहों पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि जो इलाहाबाद में लड़के तैयारियां कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसान का परिवार का लड़का है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, उसकी ये स्थिति हो गई है कि वो 10-10 साल केवल तैयारी करता रहे और जब उसके पेपर देने की बारी आई वो लीक हो जाए। उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ 7 साल बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की आई और ये हालत हो गई कि वो केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। एक सही से एग्जाम नहीं करवा पाए, यूपी आरओ एआरओ इतनी बड़ी परीक्षा है उत्तर प्रदेश की, उसको लीक करवा दिया इन्होंने। ये सरकार कहीं ना कहीं फेल है पेपर करवाने में, और हम युवाओं का और जो हमको युवाओं को रोजगार चाहिए वो भी देने में सरकार फेल है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार में आई थी तो उन्होंने वादा किया था, केंद्र सरकार में उन्होंने वादा किया था कि हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, और आज 10 साल पूरा हो चुका है, उनका 3.0 लॉन्च हो चुका है, तीसरी बार उनकी केंद्र में सरकार बन चुकी है। अगर उन्होंने अच्छे से काम कहीं ना कहीं किया होता तो आज हमारे देश का 20 करोड़ युवा कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता, उनका परिवार अच्छे से चल रहा होता, वो कहीं ना कहीं रोजगार में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा होता। लेकिन नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति जो करती है केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, केवल इनको बांटना है। तो ये कहते हैं बीजेपी वाले कि उत्तर प्रदेश में इसके पहले की सरकारों की तो नियुक्ति की बात ही छोड़ो, वो तो लिस्ट ही दे देते थे कि किसका नाम आएगा और पारदर्शी तरीके, यहाँ तो पेपर लीक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, वहाँ तो ऊपर से ही लिस्ट बन के नौकरियाँ मिलती थी, आरोप लगाते हैं ना। तभी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में खड़े होकर कह दिया 86 में से 56 SDM यादव, ये कहाँ तक का था, 46 में से 56 यादव उन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं दे पाए हैं, वो नहीं दे पाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा भी कि बताइए आप लिस्ट, हमारे मतलब समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी जी समाजवादी पार्टी से हूँ मैं, तैयारी भी कर रहा हूँ, नेतागिरी भी कर, क्या कर सकते हैं जब नहीं कहीं पे मिलेगा तो तैयारी रास्ता है। मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं तो कहीं ना कहीं हमें तैयारी करके जो है अपने जीवन को जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं नौकरी तो करनी पड़ेगी, और भगवान की कृपा से बुद्धि भी भगवान ने कम नहीं दिया है कि अगर हम पढ़ लिख के भी कहीं ना कहीं सेटल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हम किसी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन हमारा बस ये सवाल से नहीं, हम उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत से आते हैं, अंबेडकर नगर से आते हैं, लेकिन हमारा विशेष रूप से ये प्रश्न है कि सरकार सही से पेपर करवा क्यों नहीं पा रही है नीट। अच्छा एक बात जी, मेरा एक एक मिनट जरा, ये इनका राजनीतिक झुकाव है तो इसलिए मैं थोड़ी एक बात, मैं ये मेरा ये सोचना है और समझना है, अगर मैं दर्शक भी जो बात सुन रहे हैं, इस देश में जो छात्र राजनीति थी, छात्र संघों की राजनीति थी, वो करीब करीब लुप्त प्राय या ख़त्म सी हो गई। पहले के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों से जब छात्र संघ के नेता निकलते थे तो छात्रों की मुखर आवाज़ बन करके वो शासन प्रशासन के सामने पहुँचते थे, आज वो मिसिंग है। अब जो नए युवा नेता के तौर पर आ रहे हैं वो सारे बड़े नेताओं के बेटे ही युवा नेता हैं। आज आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए जो भी युवा नेता हैं, मैं एक दिन देख रहा था उत्तर प्रदेश से भी 25 साल 26 साल 28 साल के जो युवा चुने गए, अच्छी बात है वो चुने गए, लेकिन वो सारे के सारे बड़े नेताओं के बेटा या बेटी हैं। उससे जो छात्रों की परेशानी है, जो छात्रों से नेतृत्व निकल करके निकलता था और वो बाहर आ करके
शासन तक या विधानसभाओं तक या लोकसभाओं तक वो आवाज़ पहुंचाता था। ये मानते हैं आपकी एक ये रिक्तता है जिससे छात्रों की आवाज़ सही तरीके से सही पैमाने पर उठ नहीं पा रही है? नहीं, आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो है जहाँ तक ये है हमारा विचार ये है कि अगर मतलब जहाँ तानाशाही की बात होती है, छात्र संघ का चुनाव ही नहीं होता कहीं कहीं पे होता भी है तो कहीं वो उनको वो क्षमता नहीं दी जाती है, लाठियां चार्ज कर दी जाती है। हमारा देश है, हमारे भारत देश में बोलने की स्वतंत्रता है, हर एक चीज़ की स्वतंत्रता दिया है, लेकिन जो है बोलने नहीं दिया जाता है। अगर आदमी बोल नहीं पाएगा तो अपनी भाषा अपनी समस्याओं को कैसे पहुँचाएगा वहाँ? आप क्या कह रहे थे? अगर मैं इनके बातों को काउंटर करूं, जैसे आपने भी बोला छात्र राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं या फिर ये जिस पार्टी से एसोसिएट करते हैं, मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं करता हूं। फिर भी अगर छात्रों का भी देखें, अगर बढ़ावा मिलता है तो किसी पार्टी से, तो वो भारतीय जनता पार्टी में है कि आम कार्यकर्ता भी ऊपर जा सकता है। यही छात्र बट गए सपा भाजपा में, लेकिन छात्र तो एग्जाम पेपर पर एक मेरा एक बहुत ही वैलिड सवाल है। प्रदीप कुमार जोशी जी जो NTA के चेयरमैन थे, वो इससे पहले UPSC के चेयरमैन थे, और अभी तक देखा गया है कि UPSC बहुत ही स्मूथ तरीके से UPSC के भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन। तो सर, UPSC के वो स्मूथली कंडक्ट एग्जाम सब कुछ करा रहे हैं, जबकि ये ऑफलाइन ये भी पेपर होता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी जो वो NTA का नहीं करवा पाए? जाँच यहाँ होना चाहिए, CBI जैसे कुछ पवन को गिरफ्तार कर ले रही है, उनको बड़े स्तर के जो हैं अधिकारी उसमें अगर संलिप्त हैं तो उसका उस पर जांच होना चाहिए, ना कि छोटे छोटे मोहरे को उठा लेना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है ये जो UPSC का एग्ज़ाम होता है उसमें सरकारी कर्मचारी और सरकारी व्यवस्था के साथ ही होता है ज़्यादातर। ये NTA का जो एग्ज़ाम है, जो मेरी जानकारी है, ये सब आउटसोर्स्ड है। इसमें अपने कर्मचारी ने सुना, कार्यालय भी उनका किराए पर है और वो अधिकारी भी सब डेपुटेशन पर है। अगर 90 करोड़ मतदाताओं का इलेक्शन चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर तरीके से करा सकता है सरकारी कर्मचारियों की बदौलत, चुनाव में आप आउटसोर्सिंग नहीं करते, चुनाव में आप निजी कंपनी को नहीं, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा जो देश के भविष्य के साथ, छात्रों को मैं भविष्य मानता हूं और पूरे किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में, किसी भी परिवार का भविष्य बच्चे ही हैं, तो आप उनकी परीक्षा आप इस तरह से ठेके पर प्राइवेट लोगों से करा रहे हैं, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? थोड़े मोड़े लालच में वो कर्मचारी उस स्तर के जो जिनकी नौकरी का भरोसा है नहीं, प्राइवेट में आज है कल नहीं है, उन्हें 10-5 लाख का किसी ने लालच दे दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन सर, इसमें कोई गारंटी तो नहीं है कि अगर सरकारी तंत्र के पास दिया जाए एग्जाम कंडक्ट कराने का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वो स्मूथली करवा सकती है? ये तो कोई गारंटी नहीं है सर। एक अच्छे से फिर से स्ट्रक्चरल एक नया बनाना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की एक कमेटी तो बनी है, देखिए क्या होता है। और सर, यहाँ पे एक और बात होता है कि जैसे यूथ का पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, एक्चुअली क्या करते हैं सारे पार्टी, जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो कॉग्निटिव डिजोनेंस करके सर यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज उनका कितना, नेतृत्व भले करते हों लेकिन जो दूसरे लोग अगल बगल मंत्री या दूसरे पदों पर हैं वो कौन से लोग हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपने वैलिड सवाल उठाया।